तो भारत को रक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता मिली है। अपने स्वदेशी ड्रोन विमान रुस्तम 2 का सफल परीक्षण करने के बाद भारत की ताकत और बढ़ गई है। भारत ने बुधवार को रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया। यह एक मानव रहित विमान होगा जिसे DRDO ने बनाया है। बेंगलुरु से 250 किलोमीटर दूर स्थित चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में इस विमान ने सफल उड़ान भरी। इस स्वदेशी विमान की खासियत यह है कि यह कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन को निशाना बना सकता है। इसका वजन 2 टन है। ड्रोन विमान के पंख 20 मीटर के हैं और अन्य विमान के विपरीत इसे उड़ान भरने के लिए केवल हवाई पट्टी की जरूरत होगी। रुस्तम एक वक्त में 24 से 30 घंटों की लगातार उड़ान भर सकता है। यह 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और दुश्मन की नजर में भी नहीं आता। सेना इसे अमेरिकी ड्रोन प्रीडेटर की तरह उपयोग में ला सकती है। यहाँ आपको बता दें कि 2013 में रुस्तम ने पहली उड़ान भरी थी, लेकिन इसराइल से डील रुकने के बाद भारत इसे पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाया था। तो रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक और लंबी तकनीकी उड़ान लगाई है। रुस्तम तमाम आधुनिक तकनीकों से लैस है और दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर भी। देखते रहिए DB Live।